इनके नौकरी करियर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो वैसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन है, किस इंडियन कंपनी में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर यानी सबसे ज़्यादा कर्मचारी है? तो उस कंपनी का नाम देख सकते हैं स्क्रीन में, सेल में सबसे ज़्यादा 1.5 लाख पोस्ट एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट 7.5 लाख कर्मचारी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 27,000 कर्मचारी है और इंडियन रेलवे में 15 लाख सबसे ज़्यादा कर्मचारी है। उसके बाद देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका आंसर स्क्रीन पे, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नर होता है। राष्ट्रपति जो होता है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नर होता है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम में प्रधानमंत्री क्या होता है? पहले राष्ट्रपति की बात किया, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। यहाँ हेड ऑफ द कैबिनेट और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट मिनिस्टर का लीडर होते हैं और कैबिनेट के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट किसको किसको नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अटोर्नी जनरल, ईपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफिसर, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, इन सभी को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप मुगल डायनेस्टी के बारे में आप देखिए, मुगल डायनेस्टी से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रिक के द्वारा है, इसका ट्रिक है दोस्तों भाषा, आपको किताबों में बहुत जगह मिल जाएगा, ये ट्रिक बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। यहाँ पे देख सकते हैं शासन, बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन किया था, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन किए थे। अब बाबर जो अपने शासनकाल में एक रामबाण का निर्माण किए थे जो दिल्ली में मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ताजमहल से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में मुमताज बेगम की 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ था, उस समय उसकी मौत हो गई थी जन्म देते वक्त। उसी समय शाहजहां ने ताजमहल 1632 ईस्वी में बनाना स्टार्ट किया था, 1943 में बन के तैयार हो गया था। लगभग 11 साल लगे थे बनने में, 20,000 कारीगर और टोटल खर्च 3.2 करोड़ लगा था दोस्तों। यह मुमताज बेगम की मौत के बाद ही स्टार्ट हुआ था और शाहजहां ने जमा मस्जिद 1656 ईस्वी में बनाया था, अपने शासनकाल के दौरान ही बनाया था। यहाँ पे शासनकाल देख सकते हैं मुगल डायनेस्टी में। और छठा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी 1998 में इसका गठन किया गया था, तो ये ममता बनर्जी अपना एक ऑन पार्टी कांग्रेस की तरफ से बनाई थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जोराफुल घास के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहला नवाब कौन थे, तो पहला नवाब जो थे कुली खान थे और लास्ट नवाब जो थे वो कौन थे, तो सिराजुद्दौला जो थे वो लास्ट नवाब थे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध जो प्लासी के बाद लड़ा गया था, ये 1764 में लगभग लड़ा गया था दोस्तों। आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए, थोड़ा लंबा है वीडियो लेकिन मजे काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा अमरुद उगाने वाला देश कौन है, तो उस देश का नाम दोस्तों भारत ही सबसे ज़्यादा अमरुद उगाता है इंटरनेशनल लेवल पे। इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, थोड़ा लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस फील्ड हॉकी, यानी मेंस फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान अजलन शाह कप हर एक साल आयोजित किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यूएसए अमेरिका के $5 में किसका चित्र है? ये अक्सर आप देखे होंगे $5, तो उसमें जो अब्राहम लिंकन का चित्र होता है, जो अमेरिका का यूएसए का 16वां प्रेसिडेंट है यानी 16वां राष्ट्रपति है, 16वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू बुद्धिस्ट जैन की गुफाएं कहाँ देखने को मिलती, कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये एलोरा महाराष्ट्र में मौजूद है दोस्तों। ये काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिंदू बुद्धिस्ट
की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये अच्छे से याद कर लीजिए। और कलकड़ू और इंदिरा गांधी टाइगर सेंचुरी कहाँ स्थित है, और इंदिरा गांधी टाइगर सेंचुरी अक्सर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हो पहला इसरो सैटेलाइट जो बना था उसका क्या नाम था, जो पहला इसरो सैटेलाइट बना था वो उसका नाम जी सेट एजुसेट नाम था, जो 20 सितंबर 2004 को बना था। वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था दोस्तों, जो एजुकेशन के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हो भारत की आज़ादी से पहले अंतिम और आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी पहले इंडिया का जो थे वो सी राजा गोपालाचारी थे दोस्तों, इंडिया का सी राजा गोपालाचारी थे, और उससे पहले बोले गए ब्रिटिश में माउंटबेटन थे दोस्तों। और 16वां ग्लेंडरी अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ग्लेंडरी अवार्ड जो मिलिट्री से रिलेटेड है दोस्तों, मिलिट्री वालों को ग्लेंडरी अवार्ड दिया जाता है। तो ये दो भागों में दिया जाता है, दो भाग में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं वार के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, और शांति के लिए पीस टाइम के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड कौन जीते हैं भारत में अभी तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन स्क्रीन में सबसे ज़्यादा 4 बार जीत चुके हैं अमिताभ बच्चन नेशनल अवार्ड। और फर्स्ट अवार्ड जो जीते थे वो उत्तम कुमार जीते थे 1967 यानी 1967 में जीते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं इल्तुतमिश, बलबन और हुमायूं टॉम कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था, कब हुआ था ये आप सोच सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू भी बना है गुजरात में, जो सबसे लंबा विश्व का है। यहाँ मैन बुकर प्राइस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल से रिलेटेड है, जो बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल लिखा जाता है उसी से रिलेटेड है दोस्तों। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन जीता है नेशनल अवार्ड, तो यहाँ पे 2016 में नेशनल लेवल पे पॉल ब्यूटी जीता था अपने बुक द सेलआउट के लिए जीता था। 2016 में इंटरनेशनल लेवल पे हांगकांग ने जीता था अपने बुक वेजिटेरियन के लिए। और 2017 में डेविड ग्रॉसमैन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीता था ए हॉर्स वॉक इन द बार के लिए। और 2018 में दोस्तों 2018 में अक्सर पूछा जा रहा है कि 2018 में ओल्का टकुर जोग ने जीता था अपने बुक फ्लैट्स के लिए जीता था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं 2016 में किसने जीता था। ये अक्सर 2016, 2017, 2018 ये तीनों साल का मिला के पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी 2019 चल रहा है इसलिए बार बार अक्सर घुमा के पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में अभी डोनाल्ड ट्रंप है, इससे पहले जो थे बराक ओबामा थे, जो भारत के दौरे करते रहते हैं इन लोग। और 23वें क्वेश्चन देख सकते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थन आयरलैंड को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थन आयरलैंड को क्या कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, यूके बोला जाता है दोस्तों। और यूके का जो होता है नहीं प्रेसिडेंट है दोस्तों थेरेस मे है दोस्तों, थेरेस मे है। और वहाँ पे जो करेंसी चलता है उस करेंसी का नाम जो होता है पाउंड स्टर्लिंग है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये 24वां क्वेश्चन है अभी तक का। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में एलिफेंटा की गुफाएं जो होता है मुंबई में स्थित है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा या 2-3 बार बोलिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब उसका अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा इसलैंड कहाँ पे स्थित है, तो एलिफेंटा इसलैंड दोस्तों तो अरबियन सी में स्थित है, जो यूनेस्को में पड़ता है अरबियन सी दोस्तों। तो अब इस वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट
फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग एक्टर कौन थे? तो दिलीप कुमार थे। कोई भी व्यक्ति कितना बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है जो दोस्तों? तो ये अनलिमिटेड टाइम बन सकता है, मल्टीपल टाइम बन सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं दिया गया है, कितना बार भी बन सकते हैं। आयु सिर्फ होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, मतलब समुद्र वाटर पानी एयर वगैरह में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है उस बारे में बता रहा हूँ। रिवर वाटर में देख सकते हैं 13.2% ऑक्सीजन होता है, एयर में 20.95% और सी वाटर में 34.3% वाटर ऑक्सीजन होता है। रुक्मणी देवी अरुण डले कौन है, यानी किस खेल से संबंधित है, क्या करती है अरुण देवी अरुण डले से संबंधित? तो भारत नाट्यम का कोरियोग्राफर है और क्लासिकल डांसर है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है दोस्तों, ये भी याद रख सकते हैं। अमालिका सारे भाई जो था कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम का डांसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इंडियन लोटस का साइंटिफिक नाम क्या है? तो इंडियन लोटस का साइंटिफिक नाम जो था नीलम्बर नुसीफेरा है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन लोटस से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल है इसलिए। यहाँ पे सोलर सिस्टम में ड्राफ्ट प्लानट कौन सा है, यानी कि छिपा हुआ ग्रह कौन सा है जो दिखाई नहीं देता है? तो उस ग्रह का नाम होता है प्लूटो, इरिस, हमुआ, मेकमेक और सीरस होता है। ये सब जो होता है दिखाई नहीं देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे 21 जून का होता है और शॉर्टेस्ट डे सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर का होता है। वही उल्टा कर दे, नॉर्थन हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे 21 दिसंबर और शॉर्टेस्ट डे 21 जून को होता है। अब ब्रह्म समाज की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्म समाज की खोज जो किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की खोज किया था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ब्रह्म समाज के तरह ही रिलेटेड है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख, थोड़ा बोरिंग जरूर हो रहा होगा क्योंकि इतना समय तक कोई भी देखता नहीं है। अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है अभी में? तो यहाँ अर्थशास्त्र के ऑथर जो था कौटिल्य चाणक्य है। अर्थशास्त्र का ऑथर कौटिल्य चाणक्य है क्योंकि बहुत बड़े महान थे ये। और पृथ्वीराज रासो का ऑथर कौन है, यानी किसने पृथ्वीराज रासो का आविष्कार किया था, किसने बोला था, यानी चांद बरदोई पृथ्वीराज रासो को लिखे थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन में आप देख सकते हैं बेरोग्राफ किसने बनाया था, यानी बेरोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो बेरोग्राफ का आविष्कार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अलेक्जेंडर कुमिंग ने किया था बेरोग्राफ का आविष्कार। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार टॉमसन, प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। और नेल पॉलिश रिमूवर के लिए कौन सा केमिकल का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। नेल पॉलिश रिमूवर के लिए एक एसीटोन नाम का केमिकल होता है, उसी को रिमूवर के तौर पे प्रयोग किया जाता है। अगर आप नेल पॉलिश लगाते हैं, अगर हटाना है तो एसीटोन से हटा सकते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है जो व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे व्हाइट टाइगर भी लिखा गया है यहाँ पे कि व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है जो मध्य प्रदेश में। लोधा कमेटीज क्या है, लोधा कमेटी आखिर है क्या? तो लोधा कमेटी एक का गठन किया था मैच फिक्सिंग और बैटिंग स्कैंडल से बचने के लिए। जब मैच फिक्सिंग होता था उसमें ही लोधा कमेटी 2015 में गठित किया गया था। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के नाम क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा रन 400 रन ब्रायन लारा ने वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जो इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे, 380 रन मैथ्यू हेडन ने मारे थे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ मारे थे, और सबसे ज़्यादा 319 और 300 रन ट्रिपल सेंचुरी वीरेंद्र सहवाग इंटरनेशनल नंबर में मारे थे, जो सबसे ज़्यादा ट्रिपल सेंचुरी मारे हैं अभी तक। ह्यूमन बॉडी का बायो केमिकल लेबोरेटरी किसे कहा जाता है? तो लीवर यानी यकृत को कहा जाता है। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है उस यंत्र का नाम स्पिग्मो मैनोमीटर है, जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अक्सर हॉस्पिटल में आप देखे होंगे हाथ में लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अराउंड द सेंटर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट अराउंड द सेंटर होता है तो क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फर्स्ट लीडर ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा का फर्स्ट लीडर ऑपोजिशन का कौन थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन थे, तो राम सुभाग सिंह थे, जो 1969 से 1970 तक बने थे, ये चौथे थे, लेकिन तीन वैकेंट था इसलिए पहले बोले जाते थे। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स होते हैं? जब सूर्य नमस्कार किया जाता है तो कितने स्टेप्स लिए जाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में 12, सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिज्म फॉलो करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कम्युनिज्म फॉलो करने वाला पहला देश कौन सा हो सकता है? चाइना। अक्सर चाइना ही ऐसा देश है जो कम्युनिज्म फॉलो करने वाला पहला देश था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी में ग्लूकोज, बॉडी में जो ग्लूकोज जो होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो बॉडी में जो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में ग्लाइकोजन, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन याद करना होगा। यहाँ पे इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो एक नेचुरल हार्मोन होता है दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आने वाले स्क्रीन में एक नेचुरल हार्मोन होता है जो ब्लड की शुगर ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है, जो बॉडी में शुगर ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करता है। वेस्ट बंगाल में कितने राज्यसभा सीट है? अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लोकसभा का पूछा ही जाता है, राज्यसभा का भी पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल में 16 सीट है राज्यसभा का, ये अक्सर कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आगे देख सकते हैं 53वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल फिल्म मेला कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था, राष्ट्र बाल फिल्म मेला 2014 में स्टार्ट किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 54, 1 KB = 1024 वाट, 1 NIPL 4 बिट, स्क्रीन शॉट लेके इसका देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से। अब 55वां क्वेश्चन है, अलकनंदा रिवर बद्रीनाथ से निकलता है, यमुना रिवर यमुनोत्री या भागीरथ केदारनाथ से निकलता है? यहाँ भी कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 से 262 BC के बीच लड़ा गया था। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। अक्सर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आपको जल्दी समझ नहीं आता वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। समुद्र की गहराई जो होता है किससे मापा जाता है दोस्तों? तो समुद्र की गहराई जो मापा जाता है बाथीमेट्री से मापा जाता है दोस्तों। तो वीडियो को पॉज करके दो तीन बार बोल के भी याद कर सकते हैं या फिर वीडियो को दो तीन बार देख के भी याद कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब राज्यसभा मेंबर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। ये वीडियो 45-46 मिनट का है दोस्तों, अक्सर इसलिए वीडियो को जल्दी जल्दी बनाया हो, नहीं तो 2-3 घंटे का बन जाता। यहाँ पे हॉटेस्ट प्लानेट मॉर्निंग स्टार अर्थ सिस्टर सेकंड प्लानेट फ्रॉम द अर्थ किसको कहा जाता है? तो उस एक ही मात्र एक ग्रह है जो इतने सारे नाम है उनके, तो उस ग्रह का नाम वीनस है। वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं, शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। तो बुध के बाद दूसरा ग्रह है, बुध पहला ग्रह है सोलर प्लानेट। म्यूजिक में मॉर्निंग राग किसका है? तो म्यूजिक में मॉर्निंग राग जो होता है भैरवी का है दोस्तों, म्यूजिक में मॉर्निंग राग। अब पहला पेपर करेंसी किस देश में लागू किया गया था? यानी पहला पेपर करेंसी किस देश में लागू किया गया था? चाइना में पहला पेपर नोट बना हुआ था, चाइना ही ऐसा देश है जो पहला पेपर करेंसी बनाया था। अब विक्रमादित्य को किसको कहा जाता है? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू को भी बोला जाता है, जो चंद्रगुप्त टू थे उनका विक्रमादित्य भी बोला जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? विश्व शेष तंबाकू निषेध दे 31 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अर्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑल इंडिया पोस्टेज स्टाम्प कब इशू किया गया था? तो 1854 में इशू किया गया था पोस्टल स्टाम्प, 1854 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित, हॉकी एक खेल है जिससे नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। मार्केट गार्डनिंग किस कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पे मार्केट गार्डनिंग जो होता है हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में आता है, बहुत सारे कल्चर होते हैं।
अब डॉट कॉम इज का फुल फॉर्म क्या है, अक्सर देखेंगे डॉट कॉम। डॉट कॉम का फुल फॉर्म जो होता है कॉमर्शियल डोमेन होता है दोस्तों, एक तरह का ये डोमेन होता है, अक्सर वेबसाइट में देखे होंगे डॉट कॉम, लेकिन फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन था, तो एकमात्र प्रोजेक्ट था दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के स्तर पर बनाया गया था, जो बंगाल में बाढ़ आ जाता था, बंगाल का शो कहा जाता था दामोदर को, इसलिए बनाया गया था। रेड पांडा किसका सिंबल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं WWF का सिंबल है, वाइल्ड लाइफ फंड का सिंबल है रेड पांडा। एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन कब सेटअप किया गया था, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन दोस्तों 1965 में लागू किया गया था, यानी आज़ादी के 18 साल बाद, ऐसे याद रख सकते हैं या डायरेक्ट 1965 याद रखिए। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उसका नाम प्रोफेसर अमर्त सेन था, 1998 में जीती थी। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 74वां क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अलावा और कहां कहां स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो हैदराबाद और शिमला में स्थित है, गर्मी के दिनों में हो जाता है अक्सर, हैदराबाद और शिमला में राष्ट्रपति भवन स्थित। पुलिस के द्वारा कुत्ते को डिटेक्टिव काम के लिए क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 50,000 हद से अधिक होती है इनको सुनने की शक्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर किस हत्याकांड के खिलाफ अपनी उपाधि त्याग दिया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन त्याग दिया था, जनरल डायर ने यह हत्याकांड किया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तिब्बत में तसांगपो बोला जाता है, और चीन में यालू तसांग बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो भारत की जो होता सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा को बोला जाता है, और चौड़ी में आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। और गोल्ड माइन ऑफ टिम्बर किसे कहा जाता है, गोल्ड माइन ऑफ टिम्बर जो होता अंडमान निकोबर अंडमान इसलैंड को बोला जाता है, गोल्ड माइन ऑफ टिम्बर बोला जाता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, मनाली से लेह तक वर्ल्ड हाइएस्ट रोड जो बना है उसकी एवरेज हाइट क्या है, अधिकतम ऊंचाई क्या है, तो लगभग 4,000 मीटर है दोस्तों, 4,000 मीटर है। और एक यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है, तो सेल्यूलोज का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाने के लिए। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राफेलेसिया नाम है बीज का सबसे बड़ा फूल। कितने दांत दोबारा जन्म लेते हैं, ये क्वेश्चन आप जनरल साइंस के तौर पे भी याद रख सकते हैं, 20 दांत ऐसे हैं 20 दांत जो दोबारा जन्म लेते हैं झड़ जाने के बाद भी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड है, आप देखे होंगे आपके घर में अक्सर छोटा वाला चिड़िया को जिसका हमिंग बर्ड होता है, जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है दोस्तों, ये हमिंग बर्ड। बिजली के तार में बैठी हुई पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता है, बिजली के तार में बैठी हुई पक्षी को करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसके पैर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का चमकने का कारण क्या है, ये साइंस के तौर पे जनरल नॉलेज किसी भी तौर पे पूछा जाता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों, हीरे का चमकना जो पृथ्वी की सतह पे टकरा के बिखर जाता है इसलिए चमकते रहता है। जेट इंजन में कौन सा एविएशन फ्यूल यूज होता है, जेट इंजन में रिफाइंड केरोसिन नामक तेल का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कार रेडिएटर में इथाइलिन ग्लिकोल क्यों यूज किया जाता है, कार रेडिएटर में देखे होंगे इथाइलिन ग्लिकोल का प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को घटाने के लिए, कम करने के लिए, लो करने के लिए किया जाता है ताकि ज़्यादा गर्म ना हो जाए। होबर जीतने वाला पहला मेडल
पहला भारतीय कौन था? होबर मेडल जीतने वाला पहला भारतीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। होबर मेडल पूछा जाएगा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद रख लीजिएगा। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? SIDBI। तो सिडबी का फुल फॉर्म जो दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 इसका एक ट्रिक से मैं याद करवा दिया हूँ दोस्तों, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोबाल्ट है, विटामिन B12 में मौजूद होता है। विटामिन का एक ट्रिक वाला वीडियो भी बनाया, देख सकते हैं कौन सा बीमारी होता है। कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पानी खपत करता है? थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा पानी खपत करता है। आप देखे होंगे थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा पानी इसी में खपत होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड किया गया था? कब इसका गठन किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। बांग्लादेश कब खोजा गया था? पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे 26 मार्च 1971 को खोजा गया था। हाँ, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज्ड हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज्ड हुआ था, ये हमेशा पूछा जाता है। 1 जनवरी 1949, याद रखिएगा आज़ादी के 2 साल बाद 1 जनवरी 1949। इंडिया का फोक डांस किसे कहा जाता है? बहुत फेमस है दोस्तों गरबा। गरबा जो गुजरात का डांस होता है उसे इंडिया का फेमस डांस है गरबा। गुजरात डांस से रिलेटेड भी वीडियो पूछे जाते हैं, उसके लिए भी एक अलग तरीके से बनाया हूँ, याद कर लीजिएगा वीडियो देख के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द नाबार्ड? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है दोस्तों। तो इस तरह के रेगुलर वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा ट्रिक से रिलेटेड। हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन थे? गणेश वादी वासुदेव मालांकर थे, जिसे जीवी मालांकर बोलते हैं। देख सकते हैं इस वीक कब से कब तक थे, यहाँ दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात जहाँ बराबर होते हैं वो भूमध्य रेखा में होते हैं दोस्तों, इक्वेटर में। देख सकते हैं इक्वेटर में दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते होंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गंदले पानी को फैक्ट्री से साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी गंदले पाउडर पानी को हम लोग मडी वाटर बोलते हैं, मडी वाटर को कोगुलेशन कहते हैं, स्कंदीकरण कहते हैं साफ करने की प्रक्रिया को। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मडी वाटर या गंदले पानी बोला जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो व्हाइट मकराना मार्बल से बना है कोलकाता में स्थित है दोस्तों, कोलकाता ही ऐसा जगह जहां व्हाइट मकराना स्थित है दोस्तों। मैं विजिट किया था, मैं गया था देखने के लिए एक बार। हु वाज द क्लासिकल इंडियन वायलिन प्लेयर? इंडिया का क्लासिकल वायलिन प्लेयर पंडित भीजी जोग को कहा जाता है दोस्तों। बिहार में शराबबंदी कब हुआ था दोस्तों? एकमात्र राज्य है जहाँ पे शराबबंदी हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 को हुआ था दोस्तों, अभी तक भी बैन है दोस्तों वहाँ पे शराबबंदी। 105वां क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पास अपना एक सेपरेट संविधान है दोस्तों। भारत के संविधान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पास एक सेपरेट संविधान है, जिक्र किया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल बंदरगाह मुंबई में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो नील आंदोलन जो बंगाल में कृषि से रिलेटेड है दोस्तों, किसानों हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किसानों द्वारा 1858 में किया गया था ये आंदोलन दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदुराई किसकी राजधानी थी? मदुराई पूछा जाता है हर बार, मदुराई पांडवों की राजधानी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन में दोस्तों, पानी में तैरने वाले बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है दोस्तों? 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है दोस्तों। अगर पानी में बर्फ रहेगा और पानी में अगर पिघल जाता है तो पानी का आयतन भी नहीं बढ़ता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्यों से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य बहने वाली प्रमुख नदी महानदी है, और इसी नदी में भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की प्रत्येक टीम में दोस्तों लगभग
नौ खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगर इसका भी ट्रिक चाहिए दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसका भी एक ट्रिक बना दूंगा। खेल से रिलेटेड कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रंग कितने होते हैं, तो मूल रंग तीन होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल रंग लाल नीला और पीला होते हैं। और एक और क्वेश्चन, झंडे में कितने चार रंग होते हैं, लाल केसरिया सफेद हरा और नीला होते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, संत मुखानंद सेठी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूछा जाता है। चोल वंश के प्रमुख केंद्र कौन सा था, चोल वंश का प्रमुख केंद्र दोस्तों तंजोर था। अनुच्छेद 352 के तहत क्या घोषणा किया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 352 के तहत किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था, अकबर ने जजिया कर को स्टार्ट किया था लेकिन औरंगजेब ने क्या था इसे पुनः लगाया था, अकबर ने इसे बंद करवा दिया था, औरंगजेब इसे पुनः स्टार्ट किए थे जजिया कर को। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो बहुत फेमस है, किसने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण, देख सकते हैं स्क्रीन पर, पढ़ सकते हैं, राजकूटों ने करवाया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता है, इसका एक अन्य नाम क्या है, तो कृष्णदेव राय को आंध्रभोज, आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है, ये पूछा जाता है एसएससी रेलवे आगे ने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई थी, भारत के प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में 1961 में किया गया था दोस्तों, आज़ादी के मतलब 16-17 साल बाद किया गया था। केस के बड़े भाई बलराम की पत्नी का क्या नाम था, थोड़ा क्वेश्चन कंपटीशन है, बढ़ा के पूछा जा सकता है, रेवती नाम था, केस के बड़े भाई बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कंपटीशन हाई लेवल पे पहुंच गया है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है दोस्तों, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा पूछा के भी पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे एर्नाकुलम कहाँ का मुख्यालय है, उच्च न्यायालय है, इस तरह से पूछा जा सकता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल प्राइज के भी फिरिसक को पहली बार दिया गया था, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए दिया गया था इन्हें। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों। वीडियो का अंत तक देखते रहिए दोस्तों, बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी भी तरह देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य लोकसभा आयोग सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। अगर आप सीरियस नहीं है तो आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और एक ही वीडियो पर डिपेंड नहीं रहे, बहुत सारा वीडियो देखिए। गोदावरी और कृष्णा इस क्वेश्चन का आंसर है, संयुक्त डेल्टा बनाती है ये नदियाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल और भारत के मध्य व्यापार कब शुरू हुआ था, बहुत पहले व्यापार स्टार्ट हुआ था पुर्तगाल और भारत के मध्य, 1498 में स्टार्ट हुआ था भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार। क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला अंग्रेज किस अंग्रेज अधिकारी को मारकर लिया था, अंग्रेजी अधिकारी सांडर्स को मारकर लिया था लाला लाजपत राय की मौत का बदला। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भी ट्रिक से मैं बना रखा हूँ, अब देख सकते हैं मणिपुर में, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूध मांस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूध मांस उत्पादन में भारत का पहला स्थान है दोस्तों, और सोयाबीन में अमेरिका का पहला स्थान है दोस्तों, तो ये भी फसल उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाले देशों के नाम भी पूछा जाता है। अंगूर गेहूं तंबाकू कपास चना और मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश होता है चीन है, ये आगे तक चर्चा
मूंगफली खाते हुए जाता है, ये इसका ट्रिक है याद करने का, जिसे सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान, पहले भी बताए हैं दोस्तों सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान रखने वाला अमेरिका है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, दाल, दाल उत्पादन में पहला स्थान रखने वाला श्रीलंका है, और जो उत्पादन में पहला स्थान रूस ने रखा, ये ट्रिक के माध्यम से बनाया भी है दोस्तों, यहाँ पे भी बता दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इस वीडियो में कवर कर लिया। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा झील टिटिकाका झील है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये पहले भी मैं बता दिया था दोस्तों, महानदी वाले क्वेश्चन में हीराकुंड बांध का जिक्र किया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? अब बड़ा बांध का जिक्र हुआ तो अब सबसे ऊंचा बांध का भी जिक्र होगा, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है दोस्तों, जो भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में ही है। त्रिपुरारी किस भगवान का नाम है? किस भगवान का अन्य नाम है त्रिपुरारी? किस भगवान को कहा जाता है? तो शिव भगवान को कहा जाता है, भोलेनाथ को कहा जाता है, भोलेनाथ गॉड को कहा जाता है त्रिपुरारी। 1947 में अंतिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे 1947 में? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे जो कार्यपालक उपसभापति थे कार्यपालक के रूप में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर जो था मध्य प्रदेश में स्थित है, तानसेन का मकबरा वहीं पर स्थित है दोस्तों। भारतीय सिनेमा का फादर किसे कहा जाता है? अक्सर आप देखे होंगे कि भारतीय सिनेमा दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, दादा साहब फाल्के का ऑस्कर अवार्ड, दादा साहब फाल्के का ऑस्कर अवार्ड मिला जाता है। तो हाल ही में विनोद खन्ना को मिला था 2017 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, फाइनेंस कमीशन पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 280 में आता है फाइनेंस कमीशन, याद रख सकते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए फाइनेंस कमीशन। और नालंदा यूनिवर्सिटी खोज किसने किया था? बख्तियार खलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था जो बिहार में है दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारा गुप्ता ने इसका खोज किया था दोस्तों, बहुत महान लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे विदेशों से। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है दोस्तों। सिलिकन वैली ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत फेमस शहर है बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकन वैली ऑफ द इंडिया, इसे पहले बेंगलोर कहा जाता था, अब इसे बेंगलुरु नाम रखा गया है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित किया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1911 में दिसंबर 28 दिसंबर 1911 में बनाया गया था, कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया गया था अंग्रेजों के समय में ही। पागल कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होता है? पागल कुत्ता अगर आप काट ले तो कौन सा बीमारी हो जाएगा आपको? तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाएगा पागल कुत्ते के काटने से, इसलिए पागल कुत्ते से बच के रहिएगा हाइड्रोफोबिया बीमारी ना हो जाए। लोकसभा का स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा का स्पीकर जो था, ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सारे मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्पेशल स्टेटस किस आर्टिकल में है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी जिक्र किया हूँ, आर्टिकल 270 में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्पेशल बातें बताया गया है। इसके पास सेपरेट संविधान भी है दोस्तों जम्मू कश्मीर के पास, लार्गेस्ट वेस्ट लैंड एरिया सबसे मतलब जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, बेकार एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार एरिया भी है। समुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, समुद्र गुप्ता को। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, याद रखिए पहले भी बता दिया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले भी बता दिया हूँ, ये रिपीटेड मैं जल्दी इसलिए बता दूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नर्मदा नदी जो था अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। और साब नदी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। भारत में पहला जनरल इलेक्शन 1951 में हुआ था, अभी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान पहला पंचायती राज था दोस्तों, पहला पंचायती राज भी पूछा जा सकता है, राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य फल क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, गोवा में सबसे छोटा सबसे कम क्षेत्रफल है। अर्थशास्त्र के पिता इकोनॉमिक्स के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान बनाया है पूरे विश्व में। गुजरात के पास सबसे ज़्यादा समुद्र तट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन एरिया गुजरात के पास ही है दोस्तों। उसके बाद केरल बंगाल आता है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है दोस्तों। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मैक्सिमम 6 महीना का ही गैप हो सकता है दोस्तों। 6 महीना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे दोस्तों। नोबेल प्राइज इन वाली मिट्टी यानी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो पेडोकोल कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थे, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी। मीनाक्षी मंदिर पंप से वह 15-16 बार रिपीट हुआ है एसीसी में। मदुराई तमिलनाडु में स्थित है मदुराई मीनाक्षी मंदिर। भारत के सरकारी रिपोर्ट को व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है, याद रखिए व्हाइट पेपर सरकारी रिपोर्ट। इंसानों की शक्ल वाली रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला पहला देश सऊदी अरब बन गया है। इंसानों की शक्ल वाली रोबोट सोफिया नाम है उसका, जो इंसानों की जैसा बोलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन ने बिना पटरी वाली स्मार्ट ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है। चीन अब बिना पटरी वाली ट्रेन भी चलाएगा। भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड रीता भाटिया है, 1967 में बनी थी पहली महिला मिस वर्ल्ड भारत की। नरेंद्र मोदी ने रो फेरी नौका सेवा का शुभारंभ गुजरात के भावनगर जिला में घोघा और भरूच के बीच किया है, जिसकी दूरी दोस्तों 310 किलोमीटर सड़क के द्वारा थी, जो घटकर बोट के द्वारा सिर्फ 31 किलोमीटर हो गई है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने रो फेरी नौका सेवा का शुभारंभ कर दिया है घोघा और भरूच के बीच दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। घोघा और भरूच गुजरात में स्थित है। फीफा विश्व कप 2018 रशिया में होगा, 2022 वाला कतार में होगा और 2026 वाला फीफा विश्व कप दोस्तों कोलंबिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोमेट्रिक सिस्टम बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो देश का पहला बायोमेट्रिक सिस्टम बेस्ड एयरपोर्ट बेंगलुरु यानी बेंगलोर को बनाया गया है। देश का पहला बायोमेट्रिक सिस्टम बेस्ड एयरपोर्ट बेंगलोर बन गया है। टाटा मोटर ने टाटा जेनोन योद्धा के नाम से एक नया माल वाहन वाहक पिकअप को बाजार में उतारा है दोस्तों। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, आप देखे होंगे टाटा मोटर्स टाटा जेनोन योद्धा के नाम से एक माल वाहन उतारा है दोस्तों बाजार में। आप देखे होंगे एक बोलेरो के जैसा होगा, पीछे मालगाड़ी के जैसा होता है। अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप से जो कान के पास पाया जाता है दोस्तों, कान के अंदर छोटी सी हड्डी जो होता है ना, उसी को स्टेप से बोलते हैं। अब मेलकस और इंडस भी कान में पाया जाता है, जो हड्डी छोटा हड्डी होता है। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? घास का अध्ययन जो होता है एक ग्रास्टोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अध्ययन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है जो होता, अगर लास्ट में लॉजी लगा रहेगा तो आप अध्ययन से रिलेटेड उसको याद रख सकते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होता है, जिसे फीमर बोलते हैं दोस्तों। BCG का टीका TB से बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों। BCG एक इंसुलिन नाम का एक टीका होता है, जो बच्चों में TB से बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म फूड रिजर्व इन एनिमल यानी जानवरों के लिए जो शॉर्ट टर्म फूड रिजर्व किया जाता है उसे ग्लाइकोजन बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहा जाता है दोस्तों। सर्वदाता ओ नेगेटिव को बोला जाता है, उसी तरह यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही जो था AB पॉजिटिव को बोला जाता है। ये ब्लड ग्रुप का नाम है दोस्तों। AB पॉजिटिव को सर्वदाता बोला जाता है। फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का फादर विलियम्स हार्वे को बोला जाता है फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। मसल पेन लैक्टिक किस एसिड के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के बनने के कारण होता है, जिससे आपके बॉडी में पेन होता है, मसल पेन होता है, वो लैक्टिक एसिड के बनने के कारण होता है। और दही के पीने से भी लैक्टिक एसिड होता है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों के बचाव से संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन मुस्कान नाम का एक स्टार्ट किया गया है, जो लापता बच्चों के बचाव से संबंधित। हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान बड़ोदरा में बनाया जा रहा है दोस्तों। हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर बड़ोदरा में बनाया जा रहा है। वर्ष 2024 का ओलंपिक खेल की मेजबानी पेरिस करेगा दोस्तों। 2028-16 ओलंपिक खेल की मेजबानी लॉस एंजल्स करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS
में जुड़ने की ऊपरी आयु जो 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों 60 वर्ष था राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने की आयु जो अब 65 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों खुशखबरी है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे जो है इंडियन रेलवे चेनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है। दोस्तों जो राजस्थान तरफ पड़ता है चेनाब नदी, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के मौत के बाद गोवा का नया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं। दोस्तों हाल ही में दोस्तों 2019 में गोवा का मुख्यमंत्री जो है उनकी मौत हो गया है दोस्तों, तो अब उनकी जगह पे प्रमोद सावंत होता है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को बनाया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का भी उप मुख्यमंत्री है और वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बनाया गया जो बिहार के राज्यपाल थे पहले में। और सेना का युद्धाभ्यास विजय प्रहार राजस्थान में आयोजित किया गया है। सेना का युद्धाभ्यास विजय प्रहार हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी के सीईओ के लिए पहले सर्व सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सर्व सिटी के सीईओ के लिए पहले सर्व सम्मेलन का उद्घाटन जो था भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। गोवर्धन योजना हरियाणा के करनाल जिले में शुरू की गई योजना है। दोस्तों करनाल जिले में गोवर्धन योजना शुरू किया गया है जो हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक होता है जो रेल मार्ग है वो सबसे बड़ा रेल मार्ग है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के एक टापू में बनाया गया है जो वहाँ स्थित है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर बना है जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। दोस्तों जो गुजरात में बना है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह के दोस्तों इस तरह के रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं तुरंत वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों तो आज के तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।